आइए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो मैं यहां पर एक वस्तु लेता हूं जो उसके वक्रता केंद्र से परे है, अर्थात C1 से परे है। तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि इससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, पर हमें बस दो किरणों की जरूरत है। एक किरण जो इसके समानांतर जाए, और समानांतर जाने के बाद ये फोकस की ओर मुड़ना चाहेगी। पर दोस्तों, इसमें ये फोकस की ओर मुड़ना तो चाहेगी, पर इस लेंस का आकार ऐसा है कि ये नीचे की ओर नहीं बल्कि ये ऊपर की ओर मुड़ेगी। पर मैं बार बार कहता हूं कि ये फोकस की ओर मुड़ना चाहती है, तो ये फोकस की ओर ही है। पर देखना ऐसा पड़ेगा आपको कि जब इस उल्टी दिशा में मुड़ी हुई किरण को जब आप पीछे की ओर ट्रेस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये इस फोकस से होती हुई नजर आती है। तो वो चाहती है फोकस से ही होकर गुजरना, पर इस अवतल लेंस का आकार ऐसा है कि वो उल्टी दिशा में चली जाती है, जिसे आप जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। और दूसरी किरण, जिसे मैं फिर से यहां लाल रंग से दिखाता हूं, वो हमेशा हम पोल अर्थात प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, और जब ये गुजरेगी ऐसा बनेगा। तो ये जो कटान बिंदु है दोस्तों, इस कटान बिंदु पे हमें क्या मिल रहा है? हमें प्रतिबिंब मिलेगा इस कटान बिंदु पे। अगर ये ए और बी है, ए और बी है, तो ये ए डैश और बी डैश, जो कि एक छोटा वस्तु की आकृति से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा, वह सीधा है प्रतिबिंब। और ये एक आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि ये दो वास्तविक किरणों के कटने से नहीं बना है, बल्कि एक आभासी और एक वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होकर बना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, और इस बार मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं, इन दोनों के बीच में अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखता हूं ए बी। तो जब आप दो किरणें लेंगे, एक समानांतर जो कि चाहेगी कि फोकस से होकर गुजरे, पर इसकी आकृति, इसके शेप के कारण, इसके आकार के कारण वो उल्टी दिशा में जाएगी, पर जब आप इसको बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये फोकस से होकर ही गुजरती है। और दूसरी किरण हमेशा कहां से लेनी है दोस्तों? पोल से लेनी है, प्रकाशिक केंद्र से लेनी है। ऐसा हम दर्पणों में भी करते आए हैं। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो इन दोनों के कटान बिंदु पर बनेगा, जिसे हम ए डैश और बी डैश कह रहे हैं। और फिर से जो वस्तु है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वो वस्तु के आकार से छोटा है, सीधा है और आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दूसरी किरण जो है वो काल्पनिक किरण है, पीछे की ओर हमने बढ़ाया है उसको, वहां किरण नहीं आ रही, वास्तविक किरण वहां नहीं आ रही, तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बस दो तरीके से हुआ दोस्तों। एक, जो समानांतर अनंत से जो समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही थीं, उनके द्वारा फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, बिंदु आकार का जो प्रतिबिंब बना। और दूसरा जो केस बना दोस्तों, जहां पर हम कहीं भी लेंस के सामने किसी भी जगह पर जब हम वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, पर वो आभासी होता है और छोटा होता है वस्तु से। तो आप प्रयत्न करिए अलग-अलग जगहों पर रखने की, आपको बार-बार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व आभासी ही मिलेगा। तो अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी कुछ ऐसी है दोस्तों। जब आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है, पर अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का छोटा। और ये सबके लिए है दोस्तों। देखिए, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखने पर, और यहाँ दो ही चीजें दिखाई गई हैं। क्यों? क्योंकि आप जब अनंत से बाहर कभी भी रखते हैं, तो जो दूसरी किरण होती है वो हमेशा आभासी किरण को काटती है, ऐसा कि वो प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में ही बने। तो ये खासियत है अवतल लेंस की। और हर
केस में आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही आपको मिलेगा। अब खुद प्रयत्न करिए, आप समझ जाएंगे। आइए अब देखते हैं लेंस सूत्र क्या है। जैसे हमने दर्पणों में दर्पण सूत्र पढ़ा था, उसी तरह लेंस सूत्र भी हमें पढ़ना है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पूरे अभ्यास का जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो लेंस सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र में ये माइनस जो ऋणात्मक चिन्ह जो है वो धनात्मक था, यहां पर लेंस सूत्र में यह ऋणात्मक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। ये दूरी जब भी मैं कहता हूं दोस्तों, तो दूरी कहां से? दूरी पोल से, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र जो हम देखने वाले हैं वो है आवर्धन का। आवर्धन जिसे स्मॉल m से भी लिखते हैं, h डैश अपॉन h। h डैश प्रतिबिंब की हाइट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जबकि h वस्तु की ऊंचाई है। और आवर्धन v बाय यू भी होता है दोस्तों, जहां v वस्तु की दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की दूरी है पोल से और u वस्तु की दूरी है पोल से। एक और सूत्र लेंस की क्षमता बताता है दोस्तों, जिसे हम कैपिटल पी से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है 1/f के, जहां f फोकस दूरी है उस लेंस की। आइए अब एक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को, बिंब अर्थात वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम कैसे इस प्रश्न को बना सकते हैं। प्रश्न में दिए गए जानकारी के अनुसार दोस्तों प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसे मैंने -10 सेंटीमीटर लिखा है, और फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह मैं लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यह एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है, अर्थात जिस ओर वस्तु रखी होती है। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं आपको फिर से यहां पर बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये अवतल लेंस था, और अवतल लेंस में वस्तु अगर यहां है तो वस्तु का बिंब भी इसी दिशा में यहां पर बनता था। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, क्यों? क्योंकि वो किरण के चाल के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है पोल से। तो प्रतिबिंब की दूरी मैंने ऋणात्मक ली है, और फोकस दूरी, फोकस इस फोकस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, जो कि 15 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें बिंब दूरी निकालनी है u। हमें पता है कि लेंस या फिर लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसे हम ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। जब हम ये सारी जो जानकारी हमने निकाली है इस प्रश्न से, v, f, इस सूत्र में डालेंगे, तो हमें 1/u इज इक्वल टू 1/-30 मिलेगा दोस्तों, जिससे हमें पता चलता है u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। u भी एक -30 सेंटीमीटर है दोस्तों। u ऋणात्मक आने का मतलब है कि u भी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अर्थात बाई साइड में है। जैसा कि मैंने यहां पर बनाया था एक अवतल लेंस, तो वस्तु भी इधर ही थी और उसका बिंब भी इधर ही था, तो दोनों जो दूरियां हैं वो निगेटिव ही है, ऋणात्मक ही है। इस प्रकार बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, जो कि प्रश्न ने पूछा था हमसे।
यहाँ पर कि आप बिंब दूरी ज्ञात करिए, तो बिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर है। ये अब आवर्धन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो आवर्धन होता है m इज इक्वल टू v बाय u। जब हम v और u की जानकारी, v और u का मान उसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1/3, जो कि धनात्मक है, धनात्मक 0.33। यह 1/3 और धनात्मक चिन्ह यह बतला रहा है दोस्तों कि बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक है और सीधा है, और 1/3 का मतलब यह हुआ कि बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, साइज, उसका साइज वस्तु के साइज का 1/3 है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए मैं एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं इस प्रश्न का, कि इस प्रश्न ने हम ये बोला था कि एक अवतल लेंस है जिसकी, इसने दिया था कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये भी है -10 सेंटीमीटर, और फोकस इसका यहां था और यहां पे प्रतिबिंब बन रही थी। तो हमें वस्तु निकालना, वस्तु की दूरी निकालनी थी इसी पोल से, इसी ओ से। तो वस्तु हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इधर ही होता, क्यों? क्योंकि ये हम एक अवतल लेंस ले रहे हैं, तो जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर ही वस्तु भी बनती है। तो ये जो दूरी है वो दूरी 30 सेंटीमीटर हमने निकाल ली, ये दूरी दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, और ये जो फोकस दूरी है ये दूरी 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया दोस्तों। तो इसके साथ ही यह पूरा अभ्यास हमारा खत्म हुआ। एक फिर नए अभ्यास के साथ हम मिलेंगे नई कक्षा में। धन्यवाद।